तो गाइस देखो चढ़ाई है यहाँ पे, और ये देखो ये देखो ये देख रहे हो रेशो। सो गाइस आ चुकी है अपने पास पल्सर 200 NS, देख सकते हैं, और कार्बोरेटेड वेरिएंट है ये। मॉडल मुझे भी पता नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये बिकने के लिए नहीं है, मैं आपको बता दूँ, सिर्फ और ये है सिर्फ टेस्ट ड्राइव के लिए। क्योंकि भाई मेरा मन, जैसे कि मैं आपको बताया कि अपनी पल्सर 220 बेचने का मन बना लिया है मैंने, काफ़ी डिमांड्स आ रही है उसकी कि हाँ भाई मुझे लेनी है, मुझे लेनी है। तो मेरा मन जो है, मैं देखो अभी 2-3 बाइक के ऊपर आ चुका है, और उनमें से एक बाइक ये भी है, ये बाइक फाइनल नहीं करूँगा, ये आपको मैं अभी बता दूँ। लेकिन बस खाली मैं चला रहा हूँ मन की संतुष्टि के लिए कि हाँ पल्सर 220 से अच्छी है या नहीं। तो भाई जानना है आपको तो भाई पूरी वीडियो देखना, और वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं इस पर करने वाला हूँ छोटा सा एक मोटो व्लॉग, और देखूँगा एक राइडिंग रिव्यू, सिटिंग पोस्चर, हैंडलिंग कैसा है कैसा नहीं है। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। तो भाई होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे। तो तुम्हारे भाई आज बैठा हुआ है 200 NS पर, तो इसका मैं करने वाला हूँ एक क्विक रिव्यू, जो कि होगा राइडिंग सेल में, कि भाई कैसी है बाइक, ये लेने लायक है या नहीं है, वर्थ है या नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बंदा पैसा फंसाएगा तो क्या वो ये बाइक उसको लेनी चाहिए या नहीं चाहिए। तो स्टे ट्यून्ड, स्किप मत करना, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है आपको, काफ़ी डीप नॉलेज दूंगा, क्योंकि मैं अभी चला रहा हूँ पल्सर 220, आपको पता ही है, और मैंने मन बना लिया उसको सेल करने का। तो मैं अभी जो स्विच करने वाला हूँ नई दूसरी बाइक पे, तो उसमें से एक बाइक ये भी है, तो आज मैं इसका एक राइडिंग रिव्यू करने वाला हूँ। तो गाइज जैसा भी होगा, जो भी होगा, आपको मैं बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। इसकी जो हैंडलिंग है वो थोड़ी सी पल्सर से अच्छी बोलूँगा, मतलब कि देखो जो हैंडल का पोस्चर है, मतलब जिस तरीके से मैं बैठा हूँ, तो मेरे को लॉन्ग राइड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि 220 से भी कोई दिक्कत नहीं आती है, बट इसका जो थोड़ा हैंडल बार है, वो जो ये क्लिप ऑन हैंडल है, थोड़ा इसका हाइट ज़्यादा है, वो थोड़ी नीचे है, मतलब उसमें अपर बॉडी जो होती है मेरी कुछ ऐसे डाउन रहती है, बट इसमें थोड़ी सी मतलब खड़ी खड़ी है, मतलब पूरा एकदम सही बैठा हूँ मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। बट जब मैं गाड़ी कर्व ले रहा हूँ, मतलब मैं टर्न पर हूँ, तो ऐसा लग रहा है गाड़ी मुड़ता जा रहा है हैंडल, मतलब एक ना गाड़ी इधर ही मुड़ रही है, राइट में मुड़ रहा तो राइट में ही चली जा रही है, फिर मुझे लेफ्ट में करने के लिए एक फोर्स लगानी पड़ रही है, समझ रहे हो ना, स्मूथनेस जो है ना वो नहीं है। हालांकि इसकी टायर की ग्रिप जो है वो काफ़ी अच्छी है, ये नहीं बोलूँगा गंजा टायर है इस वजह से हो रहा है, बट टायर की ग्रिप अच्छी होने के बावजूद जो है राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे गाड़ी जब टर्न ले रही है तो उधर ही घुसती जा रही है। देखो ये जैसे मैं आपको कैसे समझाऊं, अभी जब आगे एक सर्कल आएगा जब मैं आपको बताऊंगा, अभी थोड़ा रोड कंजेस्टेड वाला है ये, तो थोड़ा यहाँ से निकलते हैं आगे, और फिर मैं आपको दोबारा बताता हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैं फील कर रहा हूँ ना। अरे भाई साहब ये कितने बीच में रख दिया झाड़ फूस, ये देखो जैसे मैंने अभी हल्का सा टर्न लिया ना ऐसे, तो इसमें क्या हो रहा है गाड़ी का हैंडल मुड़ता चला जा रहा है वापसी अंदर अंदर में, ठीक है ना। तो चलो पहले यहाँ से आगे निकलता हूँ, फिर आपको दोबारा बताता हूँ। तो गाइस जैसे मैं अभी इसको राइड कर रहा हूँ, रोड खाली है, अभी थ्रॉटल का रिस्पॉन्स दे रहा हूँ जैसे, तो ये देखो तो रिस्पॉन्स जो है ठीक है, बट अभी मैं 220 चला रहा हूँ, मैंने उसका अभी रिसेंटली काम कराया है, तो अब तुम्हें पता है कि जिस बाइक का काम हुआ हो रिसेंटली, तो भाई वो बाइक का तो पिकअप तुम समझ सकते हो एकदम फाड़ू होगा। तो भाई उसका फाड़ू है, और इसका थोड़ा सा मुझे हल्का लग रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन हाँ एक चीज़ है, अगर ये वाली NS अगर ये वो होती FI, तो ये अलग ही बवाल हो रही होती। भाई यहाँ से रास्ता बंद हो गया है क्या? हाँ बंद है, चले क्या? और भाई पहले रोड थोड़ा ठीक ठीक हुआ करता था, अब तो कुछ ज़्यादा ही बेकार सा लग रहा है मुझे, बट चलो ये अच्छा है, ये वाला पैच आ गया तो मैं अच्छे से रिव्यू कर पाऊँगा। तो भाई शॉकर जो है इसके आगे पीछे के दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है जी, और गड्ढे वड्ढे इतने पता ही चल रहे हैं, और यहाँ से मुझे लेना होगा राइट और फिर लेना होगा लेफ्ट, क्या बात है। और जो इनिशियल पिकअप है ना, मतलब मुझे NS गाड़ी का जो कार्बोरेटर गाड़ी का हमेशा कम लगा है, और ये भी कार्बोरेटेड है, इस वजह से मुझे कम लग रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन अगर हम बात करूँ कार्बोरेटर में 220 का, तो उसका जो थ्रोटल रिस्पॉन्स है और जो इनिशियल पिकअप है, वो वाकई में भाई तारीफ़ काबिल है। तभी 220 भाई अपने आप में लेजेंड है, बहुत बढ़िया लगती है। लेकिन हाँ ये कि अगर इसमें FI वेरिएंट आती है तो वो अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। और इस बाइक का जो टॉप एंड है वो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो इनिशियल जो है और वो सब उसका अच्छा है, क्या बोलते हैं अपने 220 का। ये देखो गाइस, ये देखो ये जो है ना, अब जो हैंडल जो है टेढ़ा हो रहा है इसका, हैंडल जो है, हाँ हैंडल जो है बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो रहा है, मतलब कि हाँ
जैसे कि इसका हैंडल, इसकी ग्रिप जो है काफ़ी अच्छी है, बट जो है जैसे मैं गाड़ी टर्न ले रहा हूँ राइट साइड पर, तो ये घुस जा रही है। मतलब इसकी जो है, मतलब हैंडलिंग थोड़ी भारी है। अब पता नहीं क्यों भारी लग रही है मुझे, भाई कमेंट सेक्शन खुला है, जो NS के यूज़र है वो मुझे बताना कमेंट करके, भैया NS में ये प्रॉब्लम है या नहीं, ठीक है। बाकी देखो मुझे थोड़ी भारी भारीपन चल रहा है, मतलब महसूस हो रही भारी भारी। एक होती है ना एकदम स्मूथ मक्खन, जैसे मेरी पल्सर 220 है, वो रिस्पॉन्स करती है। ये देखो मैं पूरा थ्रॉटल खींच ले रहा हूँ, गाड़ी भगनी दे रही 180-82। देखो कितनी स्लो स्पीड जो है ना, बहुत स्लो बढ़ रही है। ये देखो अभी डाउन है ना, अभी स्पीड बढ़ जाएगी। क्या बात है। तो गाइस डाउन में जो है ना ज़्यादा पिकअप पकड़ रही है, और जो फ्लैट सरफेस वाला ये रोड आता है तो उसमें कम पकड़ रही है पिकअप, और जो हाई एल्टीट्यूड जो चढ़ाई है, देखो ये देखो इसका हैंडलिंग जो है ना बहुत ज़्यादा हार्ड लग रही है मुझे भाई। शायद मुझे 220 की आदत पड़ी हुई इस वजह से, लेकिन हाँ, लेकिन मैं आपको इतना बता दूँ कि भाई अभी तक का एक्सपीरियंस मेरा बेकार रहा है इसके साथ, क्योंकि मेरे को मज़ा सा नहीं आ रहा चलाने में। एक होता है चला के दिल की धड़कनें तेज़ होती है, मज़ा आता है भाई, मज़ा आ गया, अंदर से दिल कहता है कि हाँ भाई ये ले ले, तो वो वाली बातचीत इस बाइक में नहीं लग रही। अब पता नहीं क्यों इस बाइक में दिक्कत है, या फिर मेरे को वहम हो चुका है, क्योंकि मेरे को 220 का मैंने काम करा, जिससे उसका पिकअप जो है ना इतना रॉकेट हो रखा है ना, मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। ये देखो पूरा एक्सीलेटर खींचने के बाद देखो जा रही है, स्लो जा रही है, मतलब रिस्पॉन्स होता है ना जो, वो वैसा रिस्पॉन्स नहीं कर रही है यार। NS 200 अल्टीमेट है, लेकिन ये कार्बोरेटर वाली पहली बार चला रहा हूँ मैं, कार्बोरेटर में मज़ा नहीं आ रहा मुझे। तो गाइस देखो चढ़ाई है यहाँ पे, और ये देख रहे हो रेशो, तो ये जो रेशो है ना भाई ये बहुत स्लो बढ़ रही है। देखो अब डाउन आ जाएगा, देखो डाउन में देखो भाग रही है, है ना भागी, तो यही डिफरेंस आ रहा है। अब पता नहीं कार्बोरेटर में आ रहा है किसमें आ रहा है ये नहीं पता मुझे, बट डिफरेंसेस आ रहा है। चढ़ाई पे जो है दम सा निकल रहा है इसका, ठीक है। और बाकी तो दिखने में गाड़ी नो डाउट अच्छी लगती है, मतलब 220 के हिसाब से वो फेयरिंग है, ये नेकेड है, तो दोनों के अपने अपने लुक्स हैं, बट ये जो है थोड़ी और अच्छी लगती है। तो भाइयों लड़कियां तो देखती नहीं वीडियो वाली, कोई बात नहीं। तो हम आ चुके हैं दिल्ली में, ये दिल्ली बॉर्डर है, ठीक है जी, चेक पोस्ट है, टोल नाका है, बट अपने को क्या है टेंशन नहीं है, क्यों, क्योंकि अपनी प्राइवेट गाड़ी है। कमर्शियल होती तो वो देना पड़ता है एंट्री फीस, होता ना कुछ प्राइवेट जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं उनको एंट्री फीस देनी पड़ती है, तो अपने बाइक है। अच्छा प्राइवेट कार हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कमर्शियल गाड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो कमाती है ना बाबा। तो भाई बाइक की टॉपिक पे आता हूँ दोबारा, ये जो बाइक है दिखने में बहुत साफ़ है, तो मैंने सोचा क्योंकि राजीव भाई का सर्विस सेंटर है, तो राजीव भाई को कुछ काम था यहाँ पे फरीदाबाद साइड में कार्बोरेटर से रिलेटेड, तो मैंने कहा भाई चलो चलते हैं, और मैं बाइक तो लेने वाला ही हूँ, तो मैंने इसी बहाने बाइक भी थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव हो जाएगी और चला भी लूँगा, एक रिव्यू भी हो जाएगा, और आप लोगों के लिए एक नॉलेजेबल वीडियो भी हो जाएगी कि कार्बोरेटर वाली गाड़ी ये कामयाब है या नहीं है, या पल्सर 220 अच्छी है या नहीं है। बहुत सारी इंक्वायरी आती है ना भैया, RS लूँ या KTM लूँ, KTM लूँ या पल्सर 220 लूँ, NS लूँ या 200 ड्यूक लूँ। तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो से आपको ये पता चलता है कि 200 NS जो है वो कार्बोरेटर वाली जो है वो बेकार है। मतलब बेकार मतलब कि देखो भाई पावर परफॉर्मेंस मुझे पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लगी, तुम चला के देखना, तुम अच्छी लगी तो तुम ले लेना, बाकी मेरे को तो पर्सनली नहीं अच्छी लगी। लुक मैटर करता है, बट लुक यहाँ मैटर नहीं करता ना कि भागने में अच्छी ना हो, मज़ा नहीं दे रही, तो वो चीज़ है। बाकी हैंडलिंग इसकी अच्छी है, बट टायर का जो कटिंग है, मतलब जैसे मैं अभी राइट में मुझे मुड़ना है, ये देखो मैं राइट में काट रहा हूँ ना हल्की, तो क्या हो रहा है गाड़ी का हैंडल ना मुड़ता ही जा रहा है, ठीक है मुड़ता ही जा रहा है, ये देखो, तो वो चीज़ें हैं बस। तो बाकी नो डाउट गाड़ी ठीक है, बट मेरे मतलब की नहीं है, सबका अपना अपना टेस्ट है। और बाइक जिस बंदे की गाड़ी उनने काफ़ी केयर करी हुई है, 53,936 मतलब कि 54,000 ऑलमोस्ट चल चुकी है, बाइक साफ़ है बढ़िया है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ना अपनी 220 के हिसाब से थोड़ा सा मज़ा नहीं लगा, ठीक है। और बाकी FI का भी टकराई मेरे को, तो FI का मैं टेस्ट ड्राइव लूँगा बताऊँगा, और बहुत जल्दी मैं अपनी बाइक सेल करने वाला हूँ, तो भाई फटाफट से जाओ मेरे से इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मुझे DM करो, मुझसे बात करो, ठीक है। और जो डील मैं आपको बता रहा हूँ वो डील अगर मिल सही बैठती है दोनों की, तो भाई जल्दी से ले लो बाइक, क्योंकि उस बाइक के अंदर कोई काम नहीं है।
तो भाई यहाँ से अब मेरा घर थोड़ी ही दूर है। ओए गाय एम्बुलेंस गाय बच गई। चलो भाई ये देखो चढ़ाई है, क्या बात है। अब सही चल रही है क्योंकि मैं खींच रहा हूँ इसको। मतलब पूरी जान निकाल दोगे ना तो भाग रही है। समझ रहे हो ना गाइस, पूरी जान निकाल दोगे तो भाग रही है। एक हल्के उसमें इशारे में थोड़ी स्लो है ये, देखो ये अब मैंने ये स्लो कर रखी, मतलब इशारा दे रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। ये देखो पूरा रेस दे रखा है मैंने और इशारा है यहाँ पे, ठीक है। क्या बात है, सही है। तो गाइज ये थी कुछ वीडियो, एक तरह से एक रिव्यू करा है मैंने बाइक का, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और बुरा लगा हो जो भाई NS लवर है उनको पक्का पता है कि बुरा लगने वाला है। बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं भाई, देखो ऑफेंड मत हुआ करो, ऐसी मेरी वो वाली वीडियो से बहुत जल्दी ऑफेंड हुए थे बंदे, जाते जाते बात बोलूँगा। एक मिनट पहले स्टैग निकालता हूँ, कूड़े खत्ते थे। मैंने TVS और स्प्लेंडर रेडियोन, मतलब TVS का और स्प्लेंडर का मैंने वो किया था कंपैरिजन वीडियो, ठीक है, उसका रिव्यू किया था और कंपेयर भी कर दिया साथ में, ठीक है। अब एक बात बताओ यार, वीडियो के अंदर क्या मैं झूठ बोल दूँ फालतू में? जो चीज़ आप ये बताओ, जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी बताऊँगा ना। मैं ये नहीं बोल रहा स्प्लेंडर बेकार है, और मैं ये नहीं बोल रहा कि स्प्लेंडर नहीं लेनी चाहिए या TVS लेनी चाहिए। मुझे पैसे TVS ने नहीं दिए और ना ही मेरे को कोई मतलब है इन सब चीज़ों से, ठीक है ना मेरे भाई। तो उस वीडियो से काफ़ी लड़के ऑफेंड हो गए कि भाई जब तुम्हें इतनी पसंद आई तो तुम वही ले लेते। अबे मेरे भाई एक बात होता, पसंद आने वाली बात नहीं है, जब मैं मेरा काम है वीडियो बनाना, और जो वीडियो के अंदर दो चीज़ें खड़ी होंगी ना तो वहाँ पर जो बेस्ट होगी ना वो बताई जाएगी, ठीक है ना। कि ये है वो है, अपनी गाड़ी है तो मैं उसकी पढ़ाई कर दूँ फालतू की, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ अच्छी दे रखी है TVS वालों ने वो मैंने बताया वीडियो के अंदर, और जो चीज़ उसमें स्प्लेंडर में नहीं है तो वो तो बताऊंगा ही ना। अब TVS के अंदर मुझे LED लाइट मिल रही है, स्प्लेंडर में नहीं मिल रही, फिर भी बोल रहा हूँ अरे भाई तो लाइट ऐसी बहुत बढ़िया है। ऐसा थोड़ी होता है यार, जब आप यूट्यूबर बन जाओगे या आप किसी चीज़ की कंपेरिजन करोगे तो जो चीज़ अच्छी या जो चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल है वो आप बताओगे ही बताओगे, उस चीज़ से आप नहीं झूठ बोल सकते ना ही मुँह फेर सकते। तो मैंने क्या करा, उस वीडियो के अंदर जो चीज़ थी कंपेयर करने वाली मैंने करी, जो चीज़ सही लगी वो मैंने सही बताया। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ या मेरे कोई उससे फ़ायदा मिल रहा है, TVS से और हीरो से मुझे कोई नुकसान मिल रहा है तो मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ। जो चीज़ थी मैंने बता दी, तो इसमें ऑफेंड होने वाली क्या बात है। आप ये देखो ना मैंने क्या करा, मैंने मुझे पता था कि इसमें ये फ़ायदा मिल रहा है, 4-5 हज़ार सस्ती मिल रही है, इतने सारे फ़ायदे, तब भी मैंने स्प्लेंडर क्यों ली। तो भाई स्प्लेंडर जो है अपनी जगह बेस्ट है, लेकिन मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का मतलब ये था कि एक तो रिव्यू और दूसरा कंपेयर के भाई 74,000 रुपये के अंदर ये दे रही है और 77,800 में ये चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें, अब उसकी रीसेल नहीं है TVS की, हीरो की रीसेल है तो वहाँ पे प्लस पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। TVS के पार्ट्स कहीं भी नहीं मिलेंगे इतनी जल्दी, सिवाय शोरूम के या फिर कहीं और, तो छोटा मोटा मिल गया वरना बाहर से नहीं मिलेगा। तो स्प्लेंडर कहीं से भी ले लो, स्प्लेंडर की दुनिया भर की एक्सेसरीज है, ये रेडियन की नहीं है। तो भाई ये सब चीज़ें भी तो होती हैं, तो इसका मतलब थोड़ी कि इस टाइम में उसकी बुराई कर रहा हूँ। अबे भाई रिव्यू किए तो रिव्यू कर रहा हूँ यार, तो भाई इतनी जल्दी ऑफेंड मत हुआ करो। मेरे भाइयों आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे को कोई भी फ़ायदा नहीं होगा झूठ बोल के या फालतू की वीडियो बना के। एक दो बंदे बोलते हैं भैया आप क्लिक बेट बहुत करते हो, अबे भाई मैं क्लिक बेट क्या करता हूँ मेरे को तो यही बता दे। और पता नहीं कितने सारे यूट्यूबर हैं जितना दुनिया भर का क्लिक बेट करते हैं, मैं तो कभी करता ही नहीं, ठीक है ना। तो चलो भाई बातें बहुत सारी हो गई हैं, आप लोगों से कितने लोगों लग रहा होगा मैं थोड़ा अग्रेसिव हो गया हूँ, बट ऐसा नहीं है, तुम्हारा भाई फुल बिंदास रहता है, ठीक है ना, एक नंबर। और बाकी जहर तो फैलाना है उससे स्प्लेंडर से, ठीक है ना, और गला सूख गया मेरा। चलो ठीक है भाई, फरीदाबाद से दिल्ली आ गया हूँ, वीडियो लंबी हो चुकी है मुझे पता है, बट भाई वीडियो पूरी देखा करो, वीडियो काट काट के देखोगे ना फिर सवाल पूछते हो। अब कहीं अबे यार तुम वीडियो देख रहे हो, अबे डिस्क्रिप्शन चेक करो ना, नंबर दिया कि नहीं दिया, नंबर दिया हुआ, एड्रेस दिया हुआ। अब कई बंदे बोले भाई मुझे शारिफ भाई का नंबर देना, अबे मेरे भाइयों नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से जाओ शारिफ भाई का नंबर देखो, कॉल करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, आई लव यू ऑल, राइड हार्ड राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, और बाइक का आवाज़ सुन लो बड़ी बूम बूम। चलो भाई बाय बाय।